Yeah, good evening all. My name is Swajit Singh Gaur. I am head of the department from Civil Engineering Department, SysTrek Ratibar campus. Now here I want to highlight that SysTrek Ratibar campus is under the umbrella of Sagar Group, which is which deals in education sector, specifically in schools. In engineering sectors, we are having three colleges which are dealing in engineering, management, MBA and pharmacy. Again, we are into real estate sector as Agarwal Builders. In industry as Sagar Manufacturers Private Limited and as Sagar Nutriments Private Limited. I hope all of you are safe, healthy and happy in this scenario and hope that ये जो भी संक्रमण की स्थिति है ये बहुत ही जल्द हमारे देश से दूर हो जाए, हमसे दूर हो जाए। आज का जो मुख्य हमारा विषय है वो करियर प्रोस्पेक्ट्स इन सिविल इंजीनियरिंग है, जिसमें काफ़ी बच्चों के हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एज अ सिविल इंजीनियर हमारे पास है करियर में। सो टू एड्रेस दैट टुडे आई केम लाइव एंड basically first I'll try to tell you that what civil engineering is and then one by one we can take questions from public and I'll try to address most of them. So basically when I if I want to say a civil engineering यदि मैं civil engineering के बारे में बात करना चाहूँ तो आपको आप जहाँ पर भी बैठे हैं आपको आसपास जो भी चीज़ दिख रही है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ हैं either it may be a house, road, पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई, वाटर सैनिटेशन, एनर्जी, इन्वायरमेंट, ये सारे सेक्टर में हम एज अ सिविल इंजीनियर वी वर्क इन इट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग इन इट आई एम द डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सिक्यूशन ऑफ इट। सो व्हेन आई डिवाइड एनी ऑफ द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 to 5 सेगमेंट्स। सो द फर्स्ट सेगमेंट विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज द प्लानिंग पार्ट। हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि मुझे एक मकान बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग। तो प्लानिंग कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स, इट कैन बी एट द फाइनेंशियल लेवल, इट कैन बी एट द स्पेस रिक्वायरमेंट, इट कैन बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कि उसका कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होगा, उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, वो सारा ऑल द थिंग्स कम्स इन द अम्ब्रेला ऑफ प्लानिंग। तो वंस वी आर डन विद द प्लानिंग देन द सेकेंड स्टेज कम्स विच इज कॉल्ड डिजाइनिंग। सो यदि मैं सिंपल बात कहूँ कि घर की डिजाइनिंग की हम बात कहेंगे तो जो कंपोनेंट्स है, जैसे हम बात कहें छत, बीम, कॉलम, इन सब का डायमेंशंस, इसमें कितना रिइंफोर्समेंट आएगा, इसमें कौन सी कॉन्क्रीट ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज होगा, ये सारी चीज़ें डिजाइनिंग के टर्म्स में आ जाएंगी। उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, डिजाइनिंग हमारा पूरा घर ऑफिस में काम होता है बट फाइनली हमको जो चीज़ करना है दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट ऑन ग्राउंड, एक्सिक्यूट इट ऑन ग्राउंड। सो द थर्ड फेज इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन फेज और बिलीव मी इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एंड द चैलेंजिंग टास्क विच वी हैव। इफ़ यू सी अराउंड यू, आपको जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, हाईवेज ये जो दिखते हैं ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है एंड execute all these things as it is from drawing on the ground is a critical issue and I am very much confident and I am happy that we as a civil engineer execute all the things with very much precision up to 1 mm also. So this construction part starts from excavation to the final handing over the project to the client and the fourth phase which is called the maintenance part. Once the construction is done we will be in maintenance part also because every structure will have some duration. किसी का 10 साल होगा, किसी का 20 साल होगा, यदि हम हाउस की बात करते हैं तो उसकी लाइफ 50 ईयर्स होती है। तो 50 ईयर्स तक यदि हम उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगे देन ऑल्सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें डैमेज आ सकता है या उसका वो जो भी उसकी सर्विसिबिलिटी है, जो भी उसका यूसेज है, वो हम अचीव अटेंड नहीं कर पाए। एंड द लास्ट स्टेज जिसकी हमको बहुत कभी कभी जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर्स या जब कुछ अधिक फोर्स आता है, कुछ डैमेज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रेट्रोफिटिंग एंड दीज आर द मेजर सेक्टर्स, दीज आर द मेजर फेसेस इन विच एज अ सिविल इंजीनियर वी डू। सो स्टार्टिंग फ्रॉम
इफ आई वांट टू सी कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम अपनी सर्विस दे सकते हैं, तो एज आई टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच हाउसिंग इज देयर, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हमको हाईवेज की प्लानिंग है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इवैक्यूएशन सिस्टम्स हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम्स, वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स, देन इरिगेशन पार्ट, इवन वी आर ऑल्सो इन एग्रीकल्चर फील्ड. अभी जितने भी आप देखते हैं कि जो हम स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि इतने किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने एरिया में गेहूं की फसल लगी है, कितने में चावल लगा है, अलग अलग जो भी हम स्टडीज करते हैं, सर्वेस करते हैं, दो कैन बी डन बाय रिमोट सेंसिंग, विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग. एंड देन अगेन सम एडवांस्ड टूल्स आर देयर विच आर कॉल्ड एज जियोग्राफिकल GIS सिस्टम्स, एंड बेस्ड ऑन दैट GIS सिस्टम्स मैनी वर्क्स वी कैन डू. अभी जैसे अभी हम बात करते हैं करेंट डिजास्टर की, जो कि कोविड है, इसमें अगेन एज अ सिविल इंजीनियर वी कैन हैव सम सॉल्यूशंस. मेरा एक स्टूडेंट था जिसने मुझे अभी एक सजेस्ट किया था कि अभी जो हम प्रॉब्लम करेंट सिनेरियो में देख रहे हैं कि मैनी ऑफ द क्वारंटाइन या जो पॉजिटिव है वो कहीं ना कहीं इधर उधर डिसलोकेट हो रहे हैं. सो वॉट इज सजेस्टेड दैट इफ वी कैन ट्रेस देयर लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशंस, और यदि हम उनका एक बेस लोकेशन यदि हमारे पास होगा जिसको हम बोलते हैं कि वो परमानेंट एड्रेस उसका है, यदि वो वहाँ पे है और उसका करंट पोजीशन यदि हमारे पास है, उसके बेसिस पे हम उसको ट्रेस कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन डू, उसका जो भी बेस्ट लोकेशन है, उस बेस्ट लोकेशन से यदि वो 10 मीटर के रेडियस के बाद डिसलोकेट होता है, देन वार्निंग कैन बी गिवन टू सिस्टम कि दिस पर्सन इज नॉट इन क्वारंटाइन फेस एंड नेसेसरी एक्शन नीड टू बी टेकन. तो सच टाइप ऑफ सजेशंस आर गिवन माई स्टूडेंट. आई एम हैप्पी दैट माई स्टूडेंट्स आर थिंकिंग ऑन इट एंड दे हैव सबमिटेड दिस प्रपोजल्स टू कंसल्ट द अथॉरिटीज ऑल्सो. नाउ लेट मी कम टू वन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय दीपक दांगी. What I should select or give preference to civil engineering? So, dear Deepak, here the question is not that why you need to select or why you need to prefer. It's totally an independent option which you need to think. I'm not here to tell you that you should prefer civil engineering. I'm here to guide that why you are thinking for it, or why you need to aspire for civil engineer. So basically, if you see, as I discussed earlier also, कि आप अपने आसपास यदि देखते हैं, आपको जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती है, ब्रिजेस दिखते हैं, यदि आप उनको देख के फैसिनेटेड होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए, सो देन आई थिंक पर्सनली आई फील दैट यू कैन बी इन दिस प्रोफेशन और यू कैन प्रिफर सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन. यू हैव टू थिंक, आपको इसमें सोचना पड़ा कि आपको किस लेवल पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना है. जैसे मैंने आपको बताया कि हम इन्वायरमेंटल स्टडीज भी करते हैं, तो आपको लगता है कि आप इफ़ यू कैन सॉल्व सम इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशूज देन यू कैन ऑप्ट अस. यदि आपको लगता है जैसे आज सिटी में आपको प्रॉब्लम्स दिखती हैं, बहुत सारा ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट हो रहा है, बहुत सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंजेशन आ रहे हैं, तो यदि आपको लगता है कि आप इस एरिया में डील करना चाहते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो आप वहाँ दे सकते हैं. यदि आपको लगता है कि आज वाटर की स्केयरसिटी हो रही है, वाटर ट्रीटमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज हमारी सोसाइटी में अवेलेबल प्रेजेंट हैं, यदि आप उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, देन आई थिंक यू शुड प्रीफर सिविल इंजीनियर. सो बेसिकली बिफोर मेकिंग अ चॉइस, फर्स्ट यू नीड टू फिक्स कि वॉट आर द प्रॉब्लम्स विच यू आर सीइंग इन द सोसाइटी एंड how and to solve those problems, which is the appropriate branch which you can select for. So as I suggest you that all these options are available for you, any of the this you can select and you can make a decision on it. Yeah, somebody is telling that seven wonderful made by civil engineers. Yeah, so again, second question, again from it's Deepak Dangi, that what is the role or priority of civil engineer? So, भैया दीपक, ये तो बहुत बड़ा question है और इसकी we have to very precisely think on it कि as a civil engineer we have to be very much responsible. कहते हैं एक डॉक्टर यदि किसी पेशेंट को गलत इंजेक्शन दे देगा तो शायद एक पेशेंट को या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को दिक्कत होगी, बट बीइंग एज अ सिविल इंजीनियर यदि मैंने कोई गलत कंस्ट्रक्शन किया, यदि मैंने कहीं पे भी एक छोटी सी मिस्टेक भी कर दी, इट मे हैव सीवियर इम्पैक्ट टूवर्ड्स द नंबर ऑफ
मतलब बहुत सारी लाइफ लॉस हो सकता है और बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। मैं सिंपल सी बात करता हूँ, हम एक डैम की बात करते हैं। यदि आप डैम कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, आपने साइट पे यदि थोड़ी सी भी गलती कर दी जिसके कारण लेट अस अज्यूम कि डैम में एक छोटा सा क्रैक आ गया, वो एक छोटा सा क्रैक न जाने कितने करोड़ों का नुकसान करेगा, उसके अलावा कितने लोगों की लाइफ के साथ वो होगा, दैट वी कैन नॉट इमेजिन। अभी आपने जैसे कई बार सुना होगा कि कई बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन ही गिर गई, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ व्हाट इज अवर रोल। यदि आप देखेंगे कई बार जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, जैसे आपने वाइजैग में जो हुदूद हुआ था, साइक्लोन जो आया था, गुजरात में जो भूकंप आए थे, कश्मीर में जो भूकंप आए थे, इन सब को आप देखेंगे, इन सब को आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत लेवल पे हमें बहुत कुछ काम करने की अभी ज़रूरत है। और डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें हम काफ़ी काम कर सकते हैं। आई थिंक माई क्वेश्चन माई आंसर इज क्लियर टू यू दीपक। One question is where we can go, either in traffic or in structures. Again, I will suggest to you that it is totally your interest. Look, there are many streams in which we are dealing. आपका जिस stream में interest है, आपको उसमें अपनी choice होना चाहिए आपकी। मतलब I cannot suggest because देखो, I am having specialization in earthquake engineering. तो मेरे लिए तो structures हमेशा ही first preference रहेगा। But it totally depends upon इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आपको यदि ट्रांसपोर्टेशन में इंटरेस्ट है, आपको सर्वे में इंटरेस्ट है, आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन में इंटरेस्ट है, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू मेक योर चॉइस, है ना। एज अ सिविल इंजीनियरिंग और एज अ सिस्टेक, इफ आई वॉन्ट टू टेल दैट हम यहां पर जो प्रैक्टिसेस करते हैं, इसमें हम बड़े क्लियर हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो भी हमारा कोर्स करिकुलम है उसी को तो हम फॉलो करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी मेक श्योर दैट अवर स्टूडेंट शुड हैव अ ओवरऑल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक प्रगति, मेंटल हेल्थ, मेंटल डेवलपमेंट, और जो डिसीजन मेकिंग है जिसको हम वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं, इन तीनों सेक्टर्स में हम फोकस करते हैं। यदि मैं बात करूं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, हमारे यहाँ हम बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही उसको, उसने जो भी ब्रांच सिलेक्ट की है उसका ऑब्जेक्टिव उसको क्लियर कर देते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा आता है, ही वॉज फोर्सफुली गेट एडमिटेड इन टू इंजीनियरिंग, एंड वो सोचता है कि उसको जबरदस्ती वो आ चुका है। तो एज अ टीचर फर्स्ट जो हम सोचते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी विल गिव हिम द फ्यूचर स्कोप कि भैया आपने जो ब्रांच सिलेक्ट की उसमें क्या क्या हो सकता है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर हम उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगेन द ट्रेनिंग विल बी इन थ्री पार्ट्स, वन विच इज कॉल्ड एज द कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो हमको कम्युनिकेशन स्किल्स, क्वांट एप्टी के लिए जो हमको जरूरत पड़ती है वो हम उसको देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, आइदर इट इज सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, हम उसको प्रोग्रामिंग का ऑलवेज एक्सपोजर देते ही हैं। बिकॉज एज अ सिविल इंजीनियर आई ऑल्सो फील कि मुझे कितना भी इंजीनियरिंग का एक्सपोजर हो, बट अगेन यदि इफ आई हैव एड ऑन फीचर ऑफ कंप्यूटर और इफ आई हैव एड ऑन स्किल ऑफ प्रोग्रामिंग, तो मैं अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये दो लेवल पे हम उनको ट्रेन करते हैं। उसके अलावा जैसे ही बच्चा हमारा सेकेंड ईयर में आता है, हम उसको टेक्निकल मॉड्यूल्स, टेक्निकल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स देते हैं, और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये कस्टमाइज्ड डिफाइंड होते हैं, जिसमें इंडस्ट्री के हिसाब से जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, जो भी ट्रेंड्स इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होते हैं, हम उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग देते हैं। यदि मैं स्पेसिफिकली बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग की, तो जैसे ही बच्चा हमारा सेकेंड ईयर में आता है, तो सबसे पहले जो आपने मोस्ट प्रोबेबली आपने कई लोगों ने नक्शे देखे होंगे मकान के या रोड के, तो वो जो सारे ड्राइंग्स बनती है वो हमारा एक ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ऑटोकैड कहते हैं। तो सेकेंड ईयर से ही हम ऑटोकैड में ट्रेनिंग बच्चे की स्टार्ट कर देते हैं, ऑटोकैड 2D में। जैसे ही वो फोर्थ सेम में आता है, उसको फिर हम ऑटोकैड 2D से ऑटोकैड 3D में, फिर अगेन 3D मॉडलिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, गूगल स्केचअप, 3DS Max, इन सब पे हम ट्रेनिंग देते हैं। और ये एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग होती है जो कि हम नियर अबाउट 60-70 लेक्चर्स में देते हैं, और इसमें भी हम बड़ा कस्टमाइज रखते हैं इसको कि एक पार्ट जो हमारा ट्रेनर, जो कि हमारी खुद की एक्सपर्ट फैकल्टीज होती हैं वो देती हैं,
एग्जाम्पल्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाते हैं, उसके बाद एक लाइव प्रोजेक्ट उनको दिया जाता है कि आइदर आप भी एक कोई यू टेक अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, उसका आप नक्शा बनाइए या पर्टिकुलर एरिया में जाके आप प्लानिंग करके आइए. तो अ लाइव प्रोजेक्ट दे विल डू इन द ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड अगेन वी विल ट्राई टू हैव अ वेटेज ऑफ इट इन द कोर्स करिकुलम. सिमिलरली जैसे हम थर्ड ईयर में आते हैं, फर्स्ट वी आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स अबाउट देयर इंटरेस्ट. यदि वो सर्वे में इंटरेस्ट है या उसका जियोटेक में इंटरेस्ट है या उसका ट्रांसपोर्टेशन में इंटरेस्ट है, यदि उसका स्ट्रक्चर्स में इंटरेस्ट है, तो बेस्ड ऑन उसका जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, हम वहाँ से उसकी ट्रेनिंग और कस्टमाइज कर देते हैं. जैसे सपोज किसी का इंटरेस्ट स्ट्रक्चर्स में है, तो फिर हम उसको स्टैट प्रो में, सैप में, ई टैब में ट्रेनिंग देते हैं. यदि कोई कहता है कि हमारा इंटरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन में है, तो उसको हम एमएक्स रोड में ले जाएंगे, या फिर जो विजूम करके सॉफ्टवेयर है, जो आजकल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, हम उस पर उसको ट्रेनिंग देते हैं. वैसे जैसे हम फाइनल ईयर में आते हैं, तो क्वांटिटी एस्टिमेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के जो सब्जेक्ट्स आते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं. तो बेसिकली हमारा बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा यहाँ से जब 4 साल के बाद पास आउट हो, तो एटलीस्ट वो कोई भी एक लाइव प्रोजेक्ट इंडस्ट्री का कर सके. इसमें हम थोड़े फॉर्चुनेट इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो ग्रुप है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वी आर अग्रवाल बिल्डर्स जो हैं, वो हमारा ग्रुप का है, तो वहाँ से कई लाइव प्रोजेक्ट्स जो कि उनके पास होते हैं, वी एज अ पार्टनर टू दैम, दे प्रोवाइड अस मैनी प्रॉब्लम्स विच आर ऑन द फील्ड, एंड कई बार हमारे बच्चे और हम मिल के उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं. तो बेसिकली इससे बच्चों को कई बार एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, एक अलग ही लेवल पर बूस्ट हो जाता है. उसके अलावा जैसे ही हमारे सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर इंटरवल ब्रेक्स होते हैं, उसमें भी हम कस्टमाइज सेमेस्टर ब्रेक ट्रेनिंग्स बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं. इसके अलावा यदि कोई बच्चा गवर्नमेंट सेक्टर में या गेट के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए एस्पायर होता है, तो अगेन दे वर्क ऑन रिसर्च पेपर्स ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज. वी मोटिवेट देम टू गो टू IITs NITs फॉर अगेन ट्रेनिंग फॉर एक्सपोजर्स. दे नीड टू इफ दे आर मोटिवेट दे नीड टू गो फॉर सम अटेंडिंग सम कॉन्फ्रेंसेज. ऑल द सपोर्ट्स, बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट विच वी कैन प्रोवाइड, वी ट्राई टू गिव इट टू अवर स्टूडेंट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, फाइनल ईयर में हमारा जो मेन फोकस रहता है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि बच्चा अगेन उसको कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री से या कहीं से उसको पिक करे, ताकि उसको एक ही कैन कोरिलेट ऑल हिज थ्योरेटिकल नॉलेज विद द प्रैक्टिकल नॉलेज. इसके अलावा हम जो कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं उसका कुछ प्रैक्टिकल कोई किसी सॉफ्टवेयर से लिंक होगा. तो वी विल ऑलवेज मेक श्योर दैट कि हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बच्चे को बताएं, और उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है, भले वो ओपन सोर्स हो या वो परचेस्ड किया हो, वी विल ट्राई दैट ऑल द मैक्सिमम अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स ही में वर्क ऑन. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ पर्सनली आई प्रिफर दैट माई स्टूडेंट्स शुड गुड एट प्रोग्रामिंग, ताकि कई बार कुछ टूल्स उनको डेवलप करना हो, तो प्रोग्रामिंग के थ्रू वो टूल्स डेवलप भी कर सकते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर हम किसी भी बच्चे को फोर्सफुली नहीं कहेंगे कि आपको ये एरिया या आपको ये स्ट्रीम ज्वाइन करना, इट्स ओपन एंड वॉट एवर द फील्ड इन विच ही इज इंटरेस्टेड, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन हेल्प हिम. वन क्वेश्चन फ्रॉम पंकज लाल, विच इज हाउ इज द कोर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट एग्जीक्यूटेड एट सिस्टेक. सो आई थिंक पंकज, मैंने आपके सवालों का जवाब दिया है, जिसमें मैंने बताया आपको कि हम टेक्निकल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए होते हैं वो, उसके अलावा जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो क्वांट एप्टी की जो तैयारी करवाई थी, वो हम बिगनिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर से ही उसको बच्चे को स्टार्ट करवा देते हैं. अगेन अनदर क्वेश्चन, वॉट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड. ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड्स तो बहुत सारे हैं. बेसिकली यदि मैं इसमें बात करूं एडवांस्ड बिल्डिंग मटेरियल्स की, जब मैं बात करता हूं, आज एक नया ट्रेंड चल रहा है सीमेंटलेस कंक्रीट, जिसमें सीमेंट का यूज़ ही नहीं किया जाए. ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स पर भी बहुत काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि सीमेंट चूँकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और वो बहुत हाई लेवल पर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो उसका रिप्लेसमेंट वी आर ट्राइंग टू सर्च आउट. सिमिलरली जैसे अभी हम स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हाउ टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ स्टील, हाउ टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ सीमेंट, एंड अगेन वी आर इन द सर्च ऑफ एडवांस्ड मटेरियल्स लाइक एडमिक्सचर्स और फाइबर्स, सो दैट और रिसाइकलिंग ऑफ एग्रीगेट्स वी कैन डू. ये सारे मटेरियल्स में चल रहे हैं. सिमिलरली यदि मैं स्ट्रक्चर्स में बात करूँ, तो आजकल बिल्डिंग्स में बात करूँ, तो आजकल बिल्डिंग ऑटोमेशंस की बात हो रही है, जिसमें
एवरीथिंग आई नीड टू बी ऑटोमेटेड। मैं घर में बैठा हूँ, मैक्सिमम चीज़ें मैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर लूँ, या फिर अभी जो बात चल रही है ग्रीन बिल्डिंग्स की चल रही है, जिसमें मैं अपनी घर की प्लानिंग इस तरह से करूँ कि मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम द नेचर आई कैन यूटिलाइज, मिनिमम आर्टिफिशियल यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम यूसेज ऑफ नेचुरल एनर्जी। सिमिलरली यदि मैं बात करूँ, रिमोट सेंसिंग इज़ द लेटेस्ट एक्सप्रेशन इन विच हम अभी GIS बेस्ड पे हम काम करते हैं, जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजेस और विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स, जो कि हम सर्वे पहले किलोमीटर्स में हमको मैनुअली करते थे, विद द हेल्प ऑफ दोज इमेजेस हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर सर्वे वी कैन डू एट अवर सिस्टम बाय यूजिंग एनी ऑफ द टूल्स लाइक आर्क GIS, QGIS। सो आई फील दैट दीज आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, एंड अगेन देर आर मैनी मोर टेक्नोलॉजीज इन सिविल इंजीनियरिंग आई फील। एंड द थिंग ऑल दीज स्ट्रीम्स, ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विच आई कोटेड अर्लियर, अवर स्टूडेंट्स ऑफ BTech और अवर MTech स्टूडेंट्स, दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट दैट आई एम हैविंग अ टीम विच इज विच हैव द एक्सपोजर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एंड समटाइम्स इट हैपन्स दैट हमारी टीम को भी एक्सपोजर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नहीं होता है, बट इफ माई स्टूडेंट्स आस्क देन माई टीम रेडिली प्रिपेयर फॉर इट एंड दे स्टूडेंट्स इन द बेस्ट पॉसिबल दे कैन। Another question from Honey, what extra things should a civil engineer student do in his BTech to improve his chances as a brilliant career in civil engineering? Extra things तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले as a civil engineer, first you should have a 100% dedication towards your academics। एक बार आप इंजीनियरिंग में आ चुके हैं तो आप सब चीज़ों को साइड में रख दीजिए। कई बार क्या होता है, हमारा बच्चा जैसे फर्स्ट ईयर में आता है उसको भूत चढ़ जाता है गवर्नमेंट जॉब का या हायर स्टडीज़ का, फर्स्ट ईयर में आते ही वो कोचिंग्स के लिए भाग जाता है और कहीं ना कहीं वो जो उसका टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसको वो छोड़ देता है या मिस आउट कर देता है। तो बेसिकली सबसे पहला जो चीज़ हमारे स्टूडेंट को करना है कि वो 4 साल डेडिकेटेडली हमारे कोर्स वर्क को फॉलो करें। एंड अगेन व्हाट ऑलवेज आई प्रीफर, देर आर 4 to 6 स्ट्रीम्स, हर एक ब्रांच में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में भी है, 6 से 7 अगेन सब स्ट्रीम्स होती हैं। तो बेस्ड ऑन दैट एवरी सेमेस्टर विल हैव 4 to 5 सब्जेक्ट्स, यू नीड टू मेक योर चॉइस कि आपका किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू से दैट कि आपको 5 सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्टीज होना है, आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज रहें। एंड व्हाट आई पर्सनली प्रीफर दैट ऑलवेज ट्राई टू रिफर एन नंबर ऑफ बुक्स एज पॉसिबल। क्या होता है, एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक किसी टेक्स्ट बुक में अच्छा दिया होगा, किसी दूसरा टॉपिक किसी दूसरी टेक्स्ट बुक में अच्छा होगा। जनरली हम क्या करते हैं, हमने कोई भी एक टेक्स्ट बुक ली और उसी में सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, तो वो फिजिबल नहीं है। इसलिए कई बार हमारी फैकल्टीज को भी रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट एवरी सब्जेक्ट 2 से 3 बुक्स आप जब फॉलो करेंगे तब आपको उसका बेटर एक्सपोजर मिल पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा बार बार कहना है, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत फोकस होकर करना है। कई हमारे कहीं बच्चे होते हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और बस घूम फिर के आ जाते हैं। मेरा क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है कि आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाएं, सीरियसली उसको ऑब्जर्व करें। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, आप हमारा एडवांटेज यही है सिविल इंजीनियर कि आप जैसे ही घर से बाहर निकलोगे आपको मैक्सिमम चीज़ें दिख जाएंगी, आपको मकान बनता दिख जाएगा, आपको कॉन्क्रीटिंग होते दिख जाएगी, आपको रिइंफोर्समेंट होता दिख जाएगा। तो फर्स्ट यू नीड टू ऑब्जर्व अराउंड योर सेल्फ। आप जैसे उसको ऑब्जर्व करते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यू नीड टू कोरिलेट योर सेल्फ विद द स्ट्रीम, एंड देन यू विल ट्राई टू ऑब्जर्व कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन साइट वी आर हैविंग। एंड वंस इफ यू रिलेट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद अ थियोरेटिकल, एंड इफ यू कैन हैव अ थियोरेटिकल सॉल्यूशन फॉर इट, देन आई थिंक यू कैन बिकम अ गुड सिविल इंजीनियर। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई पर्सनली प्रिफर, ऑल द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज विच are existing in the market, try to grab at least 2 or 3, because currently industry mein abhi jo demand hai that is pretty clear ki they don't want to train।
आज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर आर मेनी सिविल इंजीनियर्स अवेलेबल इन द मार्केट. यदि मैं रिक्रूटमेंट के लिए जाऊंगा तो मैं उसी को रिक्रूट करूंगा जिसको लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज आती हैं और जो प्रैक्टिकली साइट पे काम कर सकता है, जिसने प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो. थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, उसका फॉर्मेटिंग, उसका राइटअप चेंज हो सकता है, बट एटलीस्ट ही शुड बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजीज. What are the average package of the civil engineering from SysTech last year? Average package की बात किया जाए, SysTech जो आप बात कर रहे हैं इसमें मेरा बड़ा स्पेसिफिक है कि 20 to 25K as a civil engineer हमने बच्चों को ऑफर किया है. इसमें आई एम वेरी फॉर्चुनेट है और मुझे काफ़ी गर्व होता है ये चीज़ बोलने में कि हमारे यहाँ के सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, वी हैड हमने बच्चों को कोर कंपनीज में प्लेस करवाया है. लास्ट दो तीन सालों से आपने देखा होगा जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काफ़ी डाउनसाइड देखा गया है, बट इन दोज कंडीशंस आल्सो वी मेड 60-70% ऑफ अवर स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन कोर फील्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट जो अदर स्टूडेंट्स थे जिनको इंटरेस्ट कोर फील्ड में नहीं था, हमने उनको नॉन टेक फील्ड में भी प्लेस करवाया है. दस द नॉलेज ऑफ अदर ब्रांचेस रिक्वायर्ड फॉर सिविल इंजीनियरिंग. पर्सनली आई फील पंकज कि अब जो टाइम है वो क्रॉस डोमेन वर्क करने का है. ऐसा नहीं कि आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको इलेक्ट्रिकल का, आपको कंप्यूटर साइंस का या आपको मैकेनिकल का आइडिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल सी बात है. यदि मैं बात करूं मशीनरी की, जितनी भी बिग बिग मशीनरीज हम जो सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, चाहे वो JCB हो, चाहे वो एक्सकेवेटर्स हो या टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हो, सब में मैकेनिकल की ज़रूरत पड़ेगी. यदि हम बात करें प्रोग्रामिंग की, जितने भी हमारा आजकल जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है या फिर घर की जो बिल्डिंग्स का जो एनालिसिस होता है, डिज़ाइन होता है, इसके लिए हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. तो सॉफ्टवेयर किस में डेवलप होंगे? अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो कहीं ना कहीं हमको कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमको डाटा बेस की ज़रूरत पड़ेगी. यदि मैं बात करूँ इमेज प्रोसेसिंग की, तो हमको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ जाएगी. तो अभी हमें क्रॉस डोमेन में बहुत, यदि हम क्रॉस डोमेन का नॉलेज हमें होगा तो वी कैन परफॉर्म वेरी वेल. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यदि वो नहीं होगा तो हमारे को नुकसान हो जाएगा. अगेन सिविल इंजीनियरिंग इंडिपेंडेंटली इज़ गुड, बट इफ़ यू कैन लिंक यूर नॉलेज विद अदर स्ट्रीम्स एंड इफ़ यू कैन वर्क इन अ ग्रुप अमलगमेट ऑल दिस ब्रांचेस, तो आपको बेनिफिट कुछ हायर लेवल पर मिलेगा. अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम हनी, मेड इन इंडिया कुड बी बेनिफिशियल फॉर सिविल इंजीनियर्स. डेफिनेटली आप यदि देखिए, मैं आपको बात करूँ, बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि सिविल इंजीनियरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं है. तो भैया आप स्टेटिस्टिक देख लीजिए, आप जहाँ भी रहते हैं 10 साल पहले आप वहाँ आसपास देख लीजिए, वहाँ पर क्या घरों जो हाउसिंग डेंसिटी क्या थी, वहाँ पर रोडों की क्वालिटी क्या थी, और आप 10 साल बाद क्या होगा. तो जैसे जैसे हमारा हम बढ़ते जाएंगे, हर हाउसिंग रिक्वायरमेंट बढ़ना ही है, रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, डैम्स, वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें बढ़ना ही है, ये कभी कम नहीं होगी. एंड अगेन अभी जैसे हम फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं जो 60s और 70s में था, जो मैक्सिमम हाउसिंग था वो उस टाइम हो चुका है. तो अगेन अब उनकी जो लाइफ थी वो 50 to 60 years थी, तो वो अब कंप्लीट होने वाली है. तो अगेन अब रेट्रोफिटिंग का, रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का काम आएगा. सो आई थिंक कि स्कोप फॉर सिविल इंजीनियर पर्सनली आई फील आर अनलिमिटेड. ओनली द वन क्वेश्चन विच आई नीड टू मेक, इफ यू आर हैविंग अ नॉलेज. कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि बहुत सारे इंजीनियर्स मार्केट में अनएम्प्लॉयड है, होता है, क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल दैट यदि मुझे रिक्रूट करना है, आई नीड अ नॉलेजेबल पर्सन. आई थिंक आई एड्रेस योर क्वेश्चन. कैन यू सजेस्ट सम बेटर इंटर्नशिप कंपनीज फॉर द सिविल इंजीनियरिंग इन फ्यूचर? महक, इसके लिए मैं आपको व्हाट आई कैन सजेस्ट यू कि जितने भी कंपनीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में या जिस भी स्ट्रीम में आपको जाना है, उस पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री, जैसे मैं यदि हाउसिंग की बात करूँ तो यू कैन गो फॉर DLF, यू कैन गो फॉर दिलीप बिल्डकॉन और शाहपुर जी, पलोम जी, ये बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें आप व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट राइट एट गो ऑन देयर वेबसाइट ऑन करियर्स एंड यू कैन राइट दैट यू आर इंटरेस्टेड इन सो एंड सो इंटर्नशिप, एंड देन अगेन यू नीड टू प्रिपेयर योर CV एंड यू कैन सबमिट देयर. सो इफ यू आर गुड इनफ
then they may approach you. Otherwise, what I personally feel you that if you are interested in research or want to learn some good trends and technologies, then you can do internships at IITs and NITs also. There are many NITs, IITs, jo summer mein, they offer internship programs. So you can attend those also. I think मैंने सभी के क्वेश्चंस को अपने जो भी मेरा बेस्ट नॉलेज था उसमें मैंने शेयर करने की कोशिश की है. अगेन आई वुड लाइक टू थैंक टू आवर मैनेजिंग डायरेक्टर सागर ग्रुप श्री सुधीर अग्रवाल जी, आवर मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ अग्रवाल सर, आवर प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति देशमुख फ्रॉम सिस्टर ग्रातिपड़ कैंपस एंड आवर जनरल मैनेजर श्री राहुल मिश्रा जी कि मुझे उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे दे प्रोवाइडेड मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक एट दिस पब्लिक फोरम. थैंक यू.